हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी, संध्या एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए। संध्या एंटरप्राइज एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आपको काफी प्रोडक्ट लेके आती है। लाइफ देखिए, लोस्टोमेरिक ब्रिज वेयरिंग, स्ट्रिप्शियल एक्सपेंशन ज्वाइंट, ड्रेनेज स्पॉट, पीवीसी वाटर स्टॉपर। कभी भी आपको जरूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए हम आज वीडियो पर बात करते हैं। हालातों से समझौता मत करो। क्या जानना चाहते हो? हालातों से कभी हार मत मानो। जिससे हालात आपको ऐसे आएंगे कि सभी आपका दुश्मन नजर आएंगे। कभी भी हालात से समझौता मत करो। जैसे रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा, महाभारत में जब जाते हैं अर्जुन और देखते हैं कि चारों तरफ मेरे ही अपने लोग हैं, फिर युद्ध कैसे करना, जबकि उनका सब राजपाट जो है ले चुका है कौरवों ने, फिर भी वो हालात को देख करके डर जाते हैं। क्या करते हैं? उधर देखते हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे भाई के लोग हैं, मैं बाढ़ कैसे चलाऊं। तब कभी कभी विराट रूप दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है? कभी कभी गुस्सा जो होता है हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। बिना गुस्सा का आप सोचोगे कि आपका कोई काम हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है। समझ में आया? तो कभी तब उस टाइम में कृष्ण भगवान जो है अपना विराट रूप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं बोलो मैडम? विराट रूप दिखाते हैं। कैसा विराट रूप दिखाते हैं? कैसा विराट रूप दिखाते हैं? कभी कभी मेरा विराट रूप देखा हुआ? विराट रूप दिखाना बहुत जरूरी होता है। अर्जुन को बोलते हैं कि तुम तो कुछ नहीं करने वाले हो, तुम्हारा तो एक धनुष पर एक बहाना है, लेकिन सब सुदर्शन चक्र से ही हम सबको मारने वाला हूं। तुम एक माध्यम बनो, सबको देखो मरे हुए हैं। जब देख अर्जुन भगवान को, अर्जुन को ध्यान आता रियल में यार मैं एक माध्यम हूं और सबको मारने वाले कृष्ण भगवान ही थे। बात समझ रहा? तो विराट रूप जो है आपको कभी कभी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। उधर देखो, जब समुद्र में जाना था तो श्री रामचंद्र समुद्र भगवान से बोलते हैं कि हमको सीता जी को लाना है, हमको जरा रास्ता दे दो थोड़ा देर के लिए। समुद्र रास्ता नहीं देता। फिर लक्ष्मण जब बाण उठाते हैं और बोलते हैं कि मैं पूरा समुद्र को सुखा दूंगा, तबा के नतमस्तक हो जाता है, तो क्या वहां पर गुस्सा करना गलत था? क्या वहां विराट रूप दिखाना गलत था? नहीं। हालात से, हालात के आगे मजबूर होना आपकी बहुत कमजोरियां है। हालात कैसा भी हो उसका डट का मुकाबला करो। मान लीजिए आप दिल्ली से आ गए, मान लीजिए मैं बिहार से आ गया, मान लीजिए महाराष्ट्र से आ गया, मान लीजिए कर्नाटका से आ गया, तो आते आते आपका जो इस ये पोजीशन है वो पोजीशन तो नहीं होता होगा, पहले आपका बद से बदतर भी पोजीशन हुआ होगा। जब मैं आया था तो फर्स्ट टाइम में एक दिन तो केला खा करके सो गया, दूसरा दिन कुछ खाने पीने का व्यवस्था किया, फिर कारपेट डाल के सोया तब अंदर नीचे से चींटियां काटती थी। फर्श के ऊपर क्या है, बेड नहीं रहने से नीचे चींटियां काटती थी रात भर। तो क्या वो हालात से मैं टकराया नहीं? हर इंसान जो है अपने हालात को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हालात कितना भी खराब हो लेकिन आपको उसका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। अब्दुल कलाम से ज्यादा हालात किसका खराब था मेरे भाई? कितने दस, उनके दस भाई बहन थे, उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, लेकिन किस तरह से अपने लाइफ को स्ट्रगल करते हुए आगे पढ़ाई किए। आप तो उनसे बेहतर हो ना, हो नहीं हो? आपके पास तो फादर पैसे दिए पढ़ने के लिए, आप इतना एजुकेशन किया कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ के पढ़ा, न्यूज़पेपर बेच के पढ़ा। तो मैं तो मानता हूं कि इंसान जो है ना अपने हालात के सामने घुटने टेक देता है तो उसका किस्मत भी घुटने टेक देती है।
हालात कैसा भी हो आपको डट करके मुकाबला करना चाहिए। आपको कहीं जाना है, ट्रैफिक है, क्या वापिस आ जाओगे? बारिश हो रही है, क्या वापिस आ जाओगे? आपका ड्यूटी करना है, बारिश हो रही है, तो क्या ड्यूटी नहीं जाओगे? जो हालात है उससे टकराना होगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपका जो गोल है, जो फोकस है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको हालात से टकराना होगा। इंसान ही सब कुछ किया है, इंसान के बिना कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप जो है अपने हालात को ऊपर घुटने मत टेको, आप अपने हालात से टकराने की कोशिश करो। परेशानियां किसके पास नहीं है? परेशानियां का ही, परेशानियों को दोस्त बना लो, तकलीफ को दोस्त बना लो, जितने आपके दुश्मन है सबको दोस्त बना लो, तो ऑटोमेटिक आपका हालात सुधर जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हालात से टकराना सीखो। आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, मैं तो नया हूं, कुछ आता नहीं है। अभी आपका हालात ऐसा है, लेकिन उसको फेसिंग करो, डट के मुकाबला करो। एक महीने में, दो महीने में आप एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। मान लीजिए आप जितना परफेक्ट बने, चुनौतियां कम नहीं होती है, चुनौतियां अभी भी बाकी है। आप सोचते हो कि मैं 2 साल से काम कर रहा, 2.5 साल से काम कर रहा, मैं 25 साल से काम कर रहा, मेरे को बहुत जानकारी हो गया। ये आपका भूल है। जानकारियां जो है कम पड़ जाती है हालात को सुलझाने के लिए। जानकारियां जो है कम पड़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखो। पैसे भी कम पड़ जाते हैं हालात के सामने, तो ज्यादा से ज्यादा आपको लर्न करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की जरूरत है। कि हालात से टकराने के लिए लर्निंग और अर्निंग बहुत जरूरी है, और आपका फिटनेस भी बहुत जरूरी है। तो मैं मिथिलेश चौधरी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अपने हालात कैसा भी हो उसके सामने घुटना नहीं टेकना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।